सहज होते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करें। जितनी सहजता से श्वास को लें उतनी ही सहजता से उसे छोड़ने की कोशिश करें। आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, गर्दन सीधी, रीढ़ एकदम सीधी, वह श्वास भीतर तक जाए। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, पुनः धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। भीतर जाती हुई श्वास में उस ओम का स्मरण करें, मनी मन उस ओम की आकृति को देखते हुए श्वास को भीतर लें। कुंभक के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश करें और धीरे धीरे अरहम के स्मरण पूर्वक उस श्वास को छोड़ने की कोशिश करें। नाभि केंद्र शक्ति केंद्र की ओर दृष्टि रखते हुए श्वास को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस अरहम प्राणायाम को करें, ओम अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास लें और छोड़ें। नाभि में स्पंदन महसूस हो जो श्वास भीतर जा रही है, उस जाती हुई श्वास को बहुत प्रेम भरे भावों से देखें। जितनी देर भीतर रोक सकते हैं रोकें, सहजता से करना है सिर्फ, और बहुत सहजता से उसे छोड़ने की कोशिश करें। इसके पश्चात ध्यान हृदय केंद्र की ओर व आनंद केंद्र उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वास को लें और पुनः धीरे धीरे छोड़ें। हृदय ही एक ऐसा स्थान है जब वह चक्र व केंद्र जागृत होता है, व्यक्ति बहुत वात्सल्य के भाव से, प्रेम के भाव से भरा होता है। वह अपने क्रोध रूपी कषाय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इस आनंद के केंद्र को एनर्जी से भरने की कोशिश करें। आज सारा ध्यान उस हृदय की ओर, वहीं से हमारा क्रोध नियंत्रण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में रहना सीखता है। सारा ध्यान हृदय की ओर रखते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करें। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय आत्मा को विकास दिलाने वाला, आत्मा को परिष्कृत करने वाला, शुद्ध करने वाला यह अंग। इस केंद्र के पूर्ण रूप से जागृत होने पर व्यक्ति हमेशा उस वात्सल्य की भावना से भरा हुआ है। अपने शत्रुओं के प्रति भी वह क्षमा के भाव से भर उठता है। वैरी के प्रति भी उसके भीतर क्रोध जागृत नहीं होता है। बिल्कुल सोर ध्यान रखते हुए उस केंद्र की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करें। श्वास भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है, आंखें बंद रखते हुए हरे रंग के स्मरण से इस केंद्र को जागृत करना है। उन उपाध्याय प्रश्न परमेष्टि के मंत्र के स्मरण से इस ऊर्जा को जागृत करना है। पंच परमेष्टि में उपाध्याय परमेष्टि, वे हमारे भीतर उस कषाय को शांत करने के लिए
बहुत बड़े पावरफुल टूल की भांति कार्य करते हैं। सारा ध्यान हृदय की ओर, हृदय में एक कमल खिलता हुआ देखना है, धारणा बनाएं। उस आठ पंखुड़ी वाले कमल में इस बीजाक्षर को से सहित इस मंत्र को स्थापित करना है। ओम ह्रीम नमो वच्छायाणम। ओम बीज की कर्णिका में स्थापित करें, पहली कर्णिका पहली पंखुड़ी में ह्रीम, फिर ण मो ओ वच्छायाणम। हरे रंग में लिखे हुए एक एक बीजाक्षर को, एक एक अक्षर को अपने हृदय में देखने की कोशिश करें। बस हृदय को कमल का आकार दें, मनी मन पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल उस ओर दृष्टि रखते हुए जितना हरा रंग का प्रकाश, हरा रंग हम चिंतन करेंगे, वह हमारे उस क्रोध की भावना को अवशोषित कर लेता है, एक ऊर्जा को हम जागृत कर लेते हैं, एकदम शांत होते हुए अपनी सारी अपेक्षाओं को छोड़ते हुए, पूर्ण रूप से निरपेक्ष होते हुए इस मंत्र के माध्यम से उन दिव्यात्माओं से जुड़ कर के अपने भीतर इस ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करें। सारा ध्यान हृदय के बीचों बीच उस खिले हुए कमल की ओर, इसकी कर्णिका में बीचों बीच जहाँ कमल के फूल में वो पराग होते हैं, ओम बीजाक्षर लिखा हुआ देखें, हरे रंग में चमकते हुए वर्णों में जिससे हरी रोशनी फूट रही है, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे ध्वनि करें, ओ उस हृदय की पंख कर्णिका में लिखा हुआ देखें, उसके फैलते हुए प्रकाश को चारों तरफ देखने की कोशिश करें। दृष्टि पहली पंखुड़ी की ओर, उस पहली पंखुड़ी में ह्रीम बीजाक्षर, बहुत शक्तिशाली बीजाक्षर, हरे प्रकाश से भरा हुआ, हरी रोशनी फैल रही है। उच्चारण भी करें, वो और एक एक पंखुड़ी को पूर्ण विकसित होता हुआ अपने हृदय की ओर ध्यान रखते हुए धारणा बनाएं। सारा ध्यान अपने हृदय की ओर लेकर के आए। तीसरी पंखुड़ी की ओर, ओम ह्रीम ण, एक एक अक्षर का उच्चारण, एक एक पंखुड़ी को खुलता हुआ देखें, ओम ह्रीम ण मो। उपाध्याय परमेष्टि के ओ बीजाक्षर को ओम ह्रीम ण मो। ओम ह्रीम
दृष्टि अगली पंखड़ी की ओर लाते हुए उस हरे रंग में लिखे हुए महसूस करें आंखें बंद रखते हुए उस हरे रंग को हरे रोशनी को हरे रंग में लिखे हुए इस मंत्र को हृदय कमल की ओर दृष्टि रखते हुए एक एक पंखड़ी में ओ एक एक अक्षर को देखें एक एक पंखड़ी में उभरे हुए वो अक्षर ऊपर उभरता हुआ नजर आ रहा है ओ रे सुगंधी भी बिखेर रहा है छटा भी बिखेर रहा है ऊर्जा को भी बिखेर रहा है। इस मंत्र के माध्यम से निकलती हुई ऊर्जा को देखने की कोशिश करें ओ रे शांत होकर के दृष्टि हृदय की ओर
मन ही मन उस मंत्र को अब देखने की कोशिश करें। मन ही मन उस खिले हुए कमल को देखने की कोशिश करें। उच्चारण ना करके एक एक अक्षर को देखने की कोशिश करें। उस बीजाक्षर से सहित उस मंत्र की ऊर्जा को देखने की कोशिश करें। अपने हृदय में उन उपाध्याय परमेष्ठी की छवि को देखने की कोशिश करें। पूर्ण रूप से निरपेक्ष होकर के अपेक्षाओं को छोड़ करके अपने हृदय को ग्रहणशाली बनाएं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य बनाने की कोशिश करें। पूर्ण सरल होकर के उस फैले हुए प्रकाश को अनुभूत करने की कोशिश करें। उस दिव्यात्मा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। सारा ध्यान हृदय की ओर, उस खिले हुए कमल की ओर, और उस खिले हुए कमल में उस मंत्र को लिखा हुआ उभरा हुआ सिर्फ भीतरी आंखों से देखें। अब इन अक्षर को विपरीत क्रम में देखें। गणम या झा व ओ मो ण रे ओ। पुनः रिवर्स डायरेक्शन में एक एक अक्षर को उभरा हुआ बाहर एकदम अपने प्रकाश को फैलाता हुआ हृणम या झाव ओ मो न रे ओ। सारी दृष्टि विपरीत क्रम में घुमाते हुए हो हृणम या झा व ओ मो ण री ओ। पुनः सीधे क्रम में
ओम शांत होकर के दृष्टि हृदय की ओर, अंदर के विचारों को देखें, एक संकल्प से अपने आप को भरें। मैं सभी अपेक्षाओं को छोड़ता हूं, बोलो जोर से, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं पूर्ण निरपेक्ष होता हूँ, मैं पूर्ण निरपेक्ष होता हूँ, मैं सिर्फ कर्तव्य का पालन करूँगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, अपेक्षा रहित पालूंगा, अपेक्षा ही दुख का कारण है, मैं सारी अपेक्षा को छोड़ता हूँ, मैं पूर्ण निरपेक्ष होता हूँ, मैं अपने हृदय से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूँ, मैं उस परम शांति को चाहता हूँ। शांत होकर के अपने भीतर देखें, दृष्टि हृदय की ओर, उनटने वाले भावों की ओर, इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। इस मंत्र के माध्यम से और एक निर्मल भावों के माध्यम से अपने आप को जोड़ें। उपाध्याय परमेष्टि की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने की कोशिश करें। बिल्कुल सरल सहज होते हुए अपने आप को निर्मल भावों से भरें। पूर्ण निरपेक्षता की दृष्टि अपने भीतर लाने की कोशिश करें। उस बाहरी बनियागिरी को छोड़ें, उस बाहर के व्यापार को छोड़ करके अपने भीतर लौटें। प्रसन्नता से अपने भीतर निहारें, हृदय की ओर दृष्टि, इस ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में देखने की कोशिश करें। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी दृष्टि लेकर के आए, पूरी शरीर में फैले हुई आत्मा के प्रदेशों की ओर दृष्टि लाएं, जहां जहां हमारा शरीर वहां वहां हमारी आत्मा, वहां वहां इस ऊर्जा को महसूस करें।